चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स के इस क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर आज हम लोग पढ़ेंगे 12th ज्योग्राफी में चैप्टर फर्स्ट और इस चैप्टर का नाम है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। देखिए इसमें हम लोग पार्ट वन में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या पढ़े हैं अभी तक हम लोग। सबसे पहले देखें कि ज्योग्राफी के भूगोल के दो प्रमुख घटक होते हैं, एक भौतिक भूगोल और एक जो आपका होता है वो मानव भूगोल। और अगर आप 12th क्लास का स्टडी कर रहे हैं तो 12th का जो ज्योग्राफी है ये 12th ज्योग्राफी जब NCERT आप निकालिएगा तो यहाँ आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा जो आपका भूगोल है जिसमें हम लोग परिवहन पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, ये सब ह्यूमन से संबंधित एक्टिविटीज ही पढ़ना है, यानी ये आपका मानव भूगोल हो जाएगा। ठीक है, 11th में जो आप लोग पढ़े थे पर्वत पठार नदी झील तालाब पृथ्वी का उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति वगैरह ये सब ब्रह्मांड वगैरह पढ़े थे वो आपका भौतिक भूगोल था। तो ये ध्यान से सुनेंगे, अब फर्स्ट जो चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे उसमें किसी भी एंगल से ध्यान से सुनेंगे, मानव भूगोल छलकेगा नहीं, आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में केवल और केवल बड़े बड़े जो ज्योग्राफर है उनकी विचारधारा कैसे, वो किस प्रकार के विचारधारा से संबंधित है, उनके विचारों को समझना है, जो नए नए विचार निकल के आएंगे, कुछ आधुनिक को होंगे और कुछ पहले वाले विचारधारा होंगे, उनको समझना है कि कौन विचार कौन जो ज्योग्राफर होंगे वो कौन से विचारधारा के अंतर्गत आएंगे। उसी में से आज के इस कड़ी में हम लोग तीन विचारधारा को देखेंगे, बड़ा आराम से आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई झंझट और झमेला की बात नहीं होता है। अगले दिन अगले पार्ट जब हम आपके सामने लेकर के आएंगे तो उसमें भी तीन हम विचारधारा को देखेंगे, अगर छह विचारधारा पर अगर आपका पकड़ हो गया तो समझिए कि आपका फर्स्ट लेसन लगभग जो है वो कंप्लीट पे है, क्योंकि इसके साथ ही साथ कुछ और भी किन्हीं की किताब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और भी उनके साथ जोड़ करके स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग देख लिए कि इस NCERT के कड़ी में, देखिए NCERT के ही आप लोग कड़ी को आगे की ओर निरंतर कंटिन्यू कर करके और अपना नोट्स बनाइए, पढ़िए, नोट्स बनाने में कोई समस्या आपको होगा नहीं जब हम पढ़ा देंगे तो। इसके बावजूद भी अगर समस्या होती है तो ये हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, ये चैनल के अबाउट में भी हमारा व्हाट्सएप का लिखा हुआ रहेगा ब्लू कलर का, उसको आप टच करिएगा तो डायरेक्ट आप मेरे व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, वहां से आप हमसे नोट्स जो है हर चैप्टर का ले सकते हैं। तो चलिए आज की कड़ी को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनेंगे, आज हम लोग तीन विचारधारा पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले विचारधारा का नाम है नियतिवाद, दूसरा है संभववाद और तीसरा है नवनियतिवाद। नवनियतिवाद विचारधारा को नवनिश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं और नियतिवाद को निश्चयवाद भी कहते हैं। देखिए हर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप मेरा नोट्स निकाल के देखिएगा तो आपको लगेगा कि तो हमको एकदम मुंह पे चेहरा पे एकदम तुरंत याद है, आपको झमेले नहीं होगा। और नोट्स भी हम आपको एकदम बढ़िया मटेरियल देंगे, पूरा NCERT कंटेंट होगा, लेकिन इस कंटेंट को आपको याद करने में परेशानी नहीं होगा। कई लोग NCERT कंटेंट समझ ही के डर जाते हैं कि अरे बापी बहुत टफ होगा, कुछ टफ नहीं होगा, आप मेरे साथ पढ़ लीजिए उसके बाद नोट्स देख लीजिए, आपको कोई टफ नहीं। और देखिए यही NCERT एक ऐसी बुक होती है जो आपके मटेरियल को लिमिटेड बनाती है। जब तक आपका मटेरियल लिमिटेड नहीं होगा तो आपको समस्या होगा कि औरों का पढ़े औरों का। देखिए बच्चा क्या होता है ना कि एक बच्चा ऑनलाइन में आया है तो ये सब ज्यादा होता है झमेला कि पांच गो टीचर से पढ़ लिया, अब पांच गो टीचर से पढ़ लिया तब फलना एक बात नया जोड़ दिया, अरे एक बात अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे तो अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं, सब तो NCERT पढ़ा रहे हैं लेकिन उनका एग्जाम्पल चेंज हो सकता है, उनका शैली चेंज हो सकता है, हो सकता है उनके मन में नया बात आया तो एक बात वो नया जोड़ दिए। तो उसी तरह से अगर कोनो टीचर एक नया पढ़ा दे तो उनको लगता है देखिए ना दिक्कत हुई है, तो देखिए यही बात आप क्या करते हैं कि आप उसको नोट्स में वह बात जोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारा बात अगर आप जोड़ देंगे तो आपका जो मटेरियल है वो अनलिमिटेड हो जाएगा। तो आप कितना डेटा आप मन में रखिएगा, कितना याद करेंगे, तो अच्छे तैयारी करने के पीछे का वजह यही होता है कि सबसे पहले एक मटेरियल को आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, आप मान लेते हैं
ट्वेल्थ बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट चैप्टर में आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा भाई, कौन कौन फैक्ट्स। अभी ना कि जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है लाओ पाना में एकदम लाल ब्लू कलम से लिख ले जा रहे हैं, तो उससे आप ही को नुकसान होगा, बाकी आपके ऊपर में जो हमको हमारा जो एक अनुभव है हम आपसे शेयर कर रहे हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके ओर, तो ध्यान से सुनेंगे नियतिवाद जिसको नौ नियतिवाद भी कहते हैं। अब इसके सबसे पहले आपको बात को समझना है, इनके अवधारणा जो दिए हैं ये सबसे पहले अवधारणा देने वाले आदमी का नाम रखेंगे ये फ्रेडरिक रेटजल है, और फ्रेडरिक रेटजल ये वही फ्रेडरिक रेटजल है जो मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। मानव भूगोल के क्या कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। अब ये जो पिता कहलाते हैं मानव भूगोल के, इनके विचारधारा को आप समझिए, बस यही विचारधारा ही दिए हैं नियतिवाद। तो आपसे एक नंबर में पूछ भी लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि नियतिवाद विचारधारा से संबंधित है, आपको मिल जाएगा लूसियन फैब्रे, विडाल डीला, पॉल विडाल डीला ब्लास, या फिर यही दिख जाएंगे फ्रेडरिक रेटजल, ये इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके प्रश्न बनेंगे। बड़ा बढ़िया से आप सुनते रहिएगा। देखिए बात क्या होता है, बच्चा लोग को कभी देखेंगे, हो सकता है कि आपके साथ भी ये हुआ होगा। अब गार्जियन जब कमा रहे हैं 10,000-20,000 का महीना आपके पापा कमा रहे हैं, ज़्यादा भी कमा सकते हैं, और आप क्या है ना कि 12 साल 14 साल 15 16 साल 18 साल अभी पढ़ने के उम्र में है, आप पढ़ रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, तो गार्जियन जब आ करके दो चार थप्पड़ लगा के डांट फाड़ देता है, तो गार्जियन को हम लोग मानते हैं भाई कि क्या है ना कि गार्जियन पैसे दे रहे हैं, हम लोग झुक जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही हम लोग पैसा कमाने लगते हैं और अगर गार्जियन डांट दे, तो वो घड़ी आपके अंदर इतना कैपेसिटी हो जाता है, जानते किसके बदौलत, पैसा के बदौलत, कि गार्जियन का बात आप नहीं समझते हैं और आप अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जब आप कमा नहीं रहे थे तो गार्जियन को वैल्यू देते थे, गार्जियन श्रेष्ठ है, समझ बात ना, लेकिन जब आप कमाते हैं तो उनकी बातों को आप नहीं मानते हैं। अच्छा, लेकिन ओकरा में कोनो समझदार आदमी होता है जे गार्जियन बच्चा कमा रहा है, बाबूजी 10,000 कमा रहे हैं और बच्चा उकर 50,000 कमा रहा है, उनका लड़का जो है 50,000 कमा रहा है, लेकिन गार्जियन के मिला करके अपने भी कमा रहा, अपना भी खुद की भी सुनता है और गार्जियन की भी सुनता है मिला करके, तो वो जो विचार होगा जस्ट लाइक तीसरा विचार हम लोग पढ़ेंगे। आज एकदम लड़का है जो बाबूजी को मारे फट्ठा से चाहे डमकोल से पीट पाट दे, मुंह कान फुला दे, लेकिन तैयो वो कोई प्रतिक्रिया बाबूजी के नहीं दे रहा है, बेचारा सह ले रहा है, तो वो पहला उसी तरह का विचारधारा हो गया नियतिवाद। लेकिन अगर बाबूजी पर कोई भारी पड़ जाए, पैसा कमा रहा है इतना ना ओकरा बल मिलल है कि वो बाबूजी के नहीं समझ रहा है, 50,000 कमा रहा है, मान लो कर बाबूजी छोटा-मोटा पैसा करते हैं, तो बाबूजी ये सब काम छोड़ दीजिए, हमको बुराई होता है, माने वो अपने आप को प्रमुख समझे और अपने पिता को इंपॉर्टेंस नहीं दे। तो ऐसा तीन विचारधारा आप अपने माइंडसेट में रख करके पढ़ेंगे, बड़ा इजी है ये चैप्टर, तो ध्यान सुनेंगे। बस कुछ ऐसा ही है कि जब मनुष्य के पास कोई बड़े बड़े हथियार नहीं थे, मनुष्य पुराने प्राचीन काल में जब झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, जब बहुत ठंडा होता था, बर्फीले इलाका में रहता था, तो इग्लू के घरों में रहता था, ठीक है, मानव के पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई आविष्कार औजार फौजार उपकरण सब नहीं आया था, तो प्रकृतिक के सुनता था, सर बात ना, नेचर के सुनता था, अगर नेचर के हिसाब से अपने आप को ढालता था, ना कि नेचर के विरुद्ध कोई नया चीज करता था। तो जैसे ही बारिश हुआ तो हम लोग क्या करते थे कि लुका जाते थे, जैसे ही ठंडा होता है तो हम लोग गर्म कपड़े में आ जाते हैं, आप लोग देखते होंगे कि जैसे सर्दी का माहौल आ जाएगा तो हम लोग पूरा जैकेट वैकेट सब मारना शुरू कर देंगे। तो ये जो हम लोग कपड़े वगैरह में जो रहन सहन में जो चेंजिंग आ गया, तो ये किसके वजह से भाई, तो प्राकृतिक। अगर आपके इसी विचारधारा है कि हाँ इस बात को मानते हैं कि प्राकृतिक जब गर्मी करते हैं तो हम लोग हल्के कपड़े में हम लोग आ जाते हैं, जब वो लोग जाड़ा करते हैं प्राकृतिक, जब चारों तरफ एकदम बारिश का महीना आ जाए, एकदम पूरा ठंडा ठंडा माहौल आ जाता है, तो हम लोग ठंड लगती है तो गर्म कपड़े पहन लेते हैं, यानी हम किससे कंट्रोल हो रहे हैं, तो प्राकृतिक से, यानी प्राकृतिक के। अगर ऐसे विचार आ जाए कि प्राकृतिक का मनुष्य एक दास है, प्राकृतिक का मनुष्य क्या है, दास है, गुलाम है, हाथ का एक मैल है, कठपुतली है, बस इसी विचारधारा को नियतिवाद कहते हैं। आज जब प्राकृतिक से अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगेगा मनुष्य, तब ये विचारधारा, दूसरा विचारधारा याद रखेंगे, संभववाद की विचारधारा कहलाएगा। जब मानव चाहेगा कि प्राकृतिक के हर वो चीजों में हम अपना प्रयास से हर वो चीज को संभव बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि खूब कड़ाके की सर्दी हो रहा है, आवागमन रोग, जैसे प्राचीन काल के अगर मानव रहेगा ना, तो कड़ाके की सर्दी अगर पड़ने लगा, बरसात होना शुरू हो गया, बारिश होना शुरू हो गया, तो आदमी घर में छिप जाता है, तो प्रकृति हमको क्या कर रहा है, अपने हिसाब से कंट्रोल
बारिश करा के हमको घर में घुसा दे रहा है। लेकिन अब आधुनिकीकरण, जब मानव के पास बड़े बड़े आविष्कार हो जाएंगे, मनुष्य बड़े बड़े कार बना लेंगे, अलग अलग इंटरनेट इंटरनेट का जमाना आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि चीजें चेंजिंग हो जाएगा। जब तक मनुष्य के पास में बड़े बड़े खोज आविष्कार नहीं होंगे, तब तक संभव बात की विचारधारा नहीं आएगी, पुरानी विचारधारा से वो रिलेट कर पाएगा, जिसको नियतिवाद डिटरमाइनिज्म बोलते हैं। बात को समझिएगा। अब क्या है ना कि जब कस के सर्दी पड़ रहा है और कस के सर्दी पड़ रहा है, अब यहां मनुष्य का किया भाई कि निकाला अपना कार, कार में पैक हो गया। बाहर का टेम्परेचर बहुत अभी कम है, गर्म कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन कार में अपना टेम्परेचर एकदम हाई फाई कार है, तुरंत एकदम मारा गर्म हवा एकदम बहना शुरू हो गया। समझ रहे बात ना? बाहर अंधेरा सा छा गया, लाइट नहीं है। तो पहले क्या होता था, जब खोज नहीं था तो अगर लाइट नहीं रहता था तो भाई हम लोग इधर एक जगह से दूसरा जगह नहीं जा पाते थे। लेकिन आज क्या है, कार के एकदम मारा एकदम फ्लैश वाला मोटा लाइट मारे, एकदम पूरा बारिश भी हो रहा है, अंधेरा भी है, लेकिन कार में के एकदम निकला रोशनी, रोड एकदम पूरा क्लियर झलक रहा है, एक जगह से आदमी हम लोग दूसरे जगह भी जा सकते हैं। तो ये आविष्कार के बदौलत है। मनुष्य जब खोज कर लेगा, जब नए नए उपकरण औजार की खोज कर लेगा, तो मानव के अंदर से एक विचारधारा, एक घमंड वाला निकल के आएगा कि हम प्राकृतिक से श्रेष्ठ हैं। हम किससे श्रेष्ठ हैं? प्राकृतिक से। तो उस टाइम में मानव को सक्रिय रूप में देखेगा, लेकिन नियतिवाद के जो विचारधारा है उसमें मनुष्य को निष्क्रिय रूप में देखेगा। कई बार आपको अंतर लिखने के लिए आ जाएगा कि नियतिवाद और संभववाद विचारधारा में अंतर। तो सबसे पहले ध्यान सुनेंगे, नियतिवाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है? फ्रेडरिक रेट्ज़ल, जो मानव भूगोल के जनक है। इसके अनुसार क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वो प्रकृति का क्या होता है जी? दास होता है। तो जब मनुष्य प्रकृति का दास है, यानी इंपॉर्टेंस किसको दे रहे हैं, तो हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। इस विचारधारा के अकॉर्डिंग बात करें तो प्राकृतिक पर्यावरण यानी जो भी नेचर है, उस नेचर को हम सर्वोपरि मान रहे हैं। प्राकृतिक पर्यावरण इसमें क्या होते हैं? सर्वोपरि होते हैं। मनुष्य की बात कर ले तो मनुष्य प्रकृति का क्या होता है? दास। और ये अवधारणा सबसे पहले कौन दिए? फ्रेडरिक रेट्ज़ल। और ये फ्रेडरिक रेट्ज़ल, इसके अलावा याद रखेंगे रिक्टर, हम्बोल्ट, एलएनसी, सैम्पल, ठीक है। फ्रेडरिक रेट्ज़ल मानव भूगोल के जो जनक है, ये कहां के रहने वाले हैं तो ये भी याद रखेंगे, ये जर्मन के रहने वाले हैं। इधर देखेंगे तो इधर फ्रांस का इलाका है, फ्रांस के इधर जर्मन, नीचे में ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के इधर बात कर लेंगे स्विट्जरलैंड, नीचे में ये इटली है, ठीक है। तो ये इलाका लगभग आप देख पा रहे हैं ये जर्मन है और यही के विचारधारक है। अब देखिए विचारधारा क्या होता है ना कि एनवायरमेंट के हिसाब से भी विचार आता है। जिसके पास बड़े स्तर का खोज नहीं हुआ है, अभी भी प्रकृति के हिसाब से अगर वो रह रहा है, अपने आप को ढाल रहा है, या फिर प्राकृतिक प्रेमी है, तो उनकी विचारधारा कैसी हो जाएगी? सिंपल बात, उनकी विचारधारा नियतिवाद के अकॉर्डिंग हो जाएगा और सब्जेक्टिव बनेगा। तो यही सब पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव याद करने में आसानी। सबसे पहले नियतिवाद प्राकृतिक पर्यावरण में याद रखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण को इसमें क्या कहते हैं, इस विचारधारा के अनुसार सर्वोपरि माना जाता है। देखिए लिखने के लिए आ जाएगा कि नियतिवाद विचारधारा से आप क्या समझते हैं, कहेंगे इस विचारधारा के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण क्या होते हैं? सर्वोपरि होते हैं, और इसमें मनुष्य को प्रकृति का दास माना जाता है। इस विचारधारा के जो अवधारणा है वो फ्रेडरिक रेट्ज़ल के द्वारा दिया गया है। इतना बात तो लिखा जाएगा आपसे, आपसे वन लाइन में एकदम एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नियतिवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है, तो आप चूज कर लीजिए। चार ऑप्शन में ये आपको एक दिख जाएंगे, फ्रेडरिक रेट्ज़ल है, इसके अलावे रिक्टर है, हम्बोल्ट है, एलएनसी सैंपल, एलएनसी सैंपल फ्रेडरिक रेट्ज़ल के शिष्य आए, पिछले दिन पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो भूगोलवेत्ता है, ज्योग्राफर है, वो नियतिवाद के समर्थक है, यानी ये मानते हैं कि मनुष्य प्रकृति का दास है, गुलाम है, प्रकृति जैसे चाहेगा मनुष्य को वैसे कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। जैसे कई जगह पे आप लोग देखे है ना कि राजस्थान के इलाका में जाइएगा तो लोग पगड़ी पहनते हैं, समझ रहे बात। तो तेज धूप पड़ा, भौतिक ध्यान सुनेंगे, भौतिक पर्यावरण को समझिए, पर्यावरण वहां आसपास देखेंगे तो वहां बहुत तेज कड़ाके के, चूंकि राजस्थान का इलाका जो है वो कर्क रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है और गर्मी के दिनों में काफी तेज वहां डायरेक्ट जो है रोशनियां पड़ती है तो सर हीट हो जाते हैं। तो क्या होते हैं ना कि लोग माथा पे गमछा रख लिए, तो गमछा रख लिए तो थोड़ा सा आराम ही, ऐसे रखते रखते कुछ रखते रखते लोग पगड़ी उगड़ी का एक फैशन हो गया। तो देखिए उनका
हमारा रहन सहन खान पान सब चीज अगर बदल रहा है प्रकृति के कारण, तो इस अब हम एक्सेप्ट भी करते कि हाँ मेरा रहन खान पान सब प्रकृति के द्वारा क्या हो रहा है भाई, तो प्रभावित हो रहा है, तो इसको कहते नियतिवाद। लेकिन जो लोग कहेगा कि नहीं प्रकृति गर्मी करेंगे तो हम जैसे कि कम हल्का कपड़ा में नहीं रहेंगे, जैसा है वैसी में रहेंगे, हम एसी चला देंगे, तो अगर विचारधारा ऐसा ना जाए कि एसी से अंदर में एकदम कूलिंग कर ले, बाहर का तनो गर्मी कर ले, बाहर एकदम ठंडा कर रहा है तो हम गर्म कपड़ा में नहीं लिपटेंगे, हम घर के अंदर में रूम हीटर लगा देंगे, रूम के टेम्परेचर एकदम पूरा बरकरार रखेंगे। यानी इस सब अपने आप को वैल्यू दे रहा है, मनुष्य अपने आप को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, प्रकृति को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इस विचारधारा को कहेंगे संभववाद। अब ध्यान सुनेंगे इसमें आपको लिखना कैसे है, तो कहेंगे कि पर्यावरण में मानव क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। याद रखिए मनुष्य पर्यावरण में क्या करेगा, परिवर्तन। इसमें कहते हैं कि इस विचारधारा के अनुसार मनुष्य प्रकृति का क्या है जी, तो मालिक है। मनुष्य प्रकृति का क्या है, मालिक है। अब इंपॉर्टेंट बात, इस विचारधारा में दो विद्वान आपको याद करना ही करना है, एक पॉल विडाल डीला ब्लास और एक लुसियन फेवरे, जिसमें सबसे पहले जो संभववाद जो वर्ड आप देख रहे हैं, इस वर्ड का प्रयोग तो किए हैं लुसियन फेवरे। याद रखेंगे इस वर्ड का प्रयोग किए हैं लुसियन फेवरे, लेकिन इस विचारधारा के जो समर्थक और जो अवधारणा दिए हैं, इस विचारधारा का नाम, इस विचारधारक का नाम है, जो विचारधारा दिए हैं, इनका नाम है पॉल विडाल डीला ब्लास। तो याद रखेंगे संभववाद विचारधारा की जो अवधारणा है, संभववाद की अवधारणा, वो कौन दिए हैं, पॉल विडाल डीला ब्लास। लेकिन संभववाद अगर कहे आपसे कि शब्द का प्रयोग कौन किए सबसे पहले, तो लुसियन फेवरे सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किए हैं। ये दोनों के दोनों, पॉल विडाल डीला ब्लास हो चाहे लुसियन फेवरे है, ये दोनों के दोनों देखिए बगल में ये फ्रांस के रहने वाला है, कहां के रहने वाले हैं, फ्रांस के। तो ये भी याद रखेंगे पॉल विडाल डीला ब्लास और लुसियन फेवरे ये दोनों कहां के हैं जी, तो फ्रांस के हैं, ध्यान रखिएगा बात को। चलिए आगे, ये इंपॉर्टेंट है ग्रिफिथ टेलर, यहाँ पे चूंकि इसकी अवधारणा जो देने वाले आदमी है नॉन यतिवाद के, ये ग्रिफिथ टेलर है। आपको पहले तीनों के याद रखेंगे कि कौन विद्वान कौन से अवधारणा दिए, तो नियतिवाद की अवधारणा कौन दिए, तो नियतिवाद की अवधारणा दिए थे रेटजेल, याद रखेंगे फेडरिक रेटजेल, जो मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। याद रखेंगे संभववाद के अवधारणा कौन दिए हैं, तो संभववाद के अवधारणा देने वाले आदमी है पॉल विडाल डीला ब्लास, कई जगह पे वाइडर डीला ब्लास में मिले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, और संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए, तो लुसियन फेवरे हो जाएंगे जी, कौन हो जाएंगे, लुसियन फेवरे। और याद रखेंगे नियतिवाद की अगर बात कर ले तो इसकी अवधारणा कौन दिए हैं, तो ग्रिफिथ टेलर। अब देखिए ये थोड़ा नई सूझबूझ और नया कांसेप्ट है, इसको आप बढ़िया से समझिएगा, आपको किस तरह का विचारधारा अच्छा लगता है, आप अपने भी विचारधारा, चूंकि आप भी अगर ज्योग्राफी का स्टडी कर रहे हो तो आप भी एक ज्योग्राफर हो, तो आप अपनी विचारधारा दीजिएगा आज पढ़ने के बाद, आपको कौन सा विचारधारा अच्छा लगता है, आप किसके समर्थक है। अलग अलग विचारधारा पढ़ रहे ना, कि रेटजेल साहब है जो नियतिवाद विचारधारा के समर्थक है, और इधर पॉल विडाल डीला ब्लास और लुसियन फेवरे जो है वो संभववाद विचारधारा के समर्थक है, तो आप कौन से विचारधारा के समर्थक है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि ज्यादा नियतिवाद के चाहने वाले आदमी है कि संभववाद के हैं कि नौ नियतिवाद को। सबसे पहले देखें नौ नियतिवाद है क्या, अभी कोई कमेंट मत करिएगा, पहले ये भी विचारधारा को जानेंगे तब तो, हो सकता है यही दोनों को मार दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा जी। चलिए आइए ध्यान सुनेंगे, ये क्या कहे ग्रिफिथ टेलर। सबसे पहले आपको बता दे कि ये यूएसए के हैं, ये अमेरिका के हैं, ये ध्यान सुनेंगे, ये उत्तरी अमेरिका के, हमने रफली बनाने का कोशिश की अपने हिसाब से, ये यूएसए ध्यान रखेंगे, यूएसए अमेरिका, और ये अमेरिका का ही ये भूगोल वेत्ता है जिनका नाम ग्रिफिथ टेलर। ऐसे तो एलन से सैंपल भी अमेरिका के ही हैं, लेकिन एलन से सैंपल नियतिवाद को सपोर्ट करते हैं, नियतिवाद के समर्थक है, ध्यान सुनेंगे। तो अमेरिका के एक भूगोल वेत्ता जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर इसको समझाने का प्रयास किए। ऐसे भी पूछ देगा आपसे, वन नंबर का क्वेश्चन आपसे बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, जब हार्ड करना चाहेगा एग्जाम्स को, तो कि ये
ट्रैफिक सिग्नल के आधार पे नवनियतिवाद को किसने समझाया है, सुलझाया है। तो इस तरह के अगर किसी भी प्रश्न आ जाएगा ट्रैफिक सिग्नल को लेकर के और विचारधारा से संबंधित, तो हो जाएंगे ग्रिफिथ टेलर साहब। ये क्या बता रहे हैं कि देखिए ट्रैफिक सिग्नल में तीन, वो ये ध्यान से सुनेंगे, तीन सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर में इसमें लाल होता है, उसके बीच बीच में देखें तो पीला होगा और नीचे में ग्रीन होता है। और तीनों सिग्नल ध्यान से सुनेंगे, ये ट्रैफिक सिग्नल में ये तीन वो रेड का निशान और येलो है और इसके नीचे में ग्रीन हरा है, इस तीनों को समझना होता है। जैसे ही अगर लाल आता है तो हमको समझना क्या है कि लाल हो गया, इसका मतलब आपको स्टॉप, रुक जाना है। जिस तरह से अगर पीला अगर सिंबल आ गया, जैसे ही पीला लाइट जल जाता है, इसका मतलब है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाओ, चलो नहीं चलने के लिए तैयार हो जाओ। इसका मतलब है कि तुरंत आपको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है, तुरंत आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी बढ़ना नहीं है, बस तैयार हो जाना है। यानी मोटरसाइकिल अगर जाम में रोक ले हैं, अगर गिर गया है कांटा उटा गुमटी उमटी कुछ भी ऐसा हो, तो अगर मान लेते हैं कि ये पीला सिग्नल अगर आपको दिख रहा है, पीला लाइट अगर जल गया, इसका मतलब है कि एकदम आप अपने मोटरसाइकिल को चालू करके रखिए, समझ रहे बात ना। अगर मान ले किक से चालू होता था, किक मारिए, सेल्फ से चालू होता था, सेल्फ मारिए, एकदम मार के रख ले रहिए, काहे कि तुरंत आपको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। तो जैसे ही ग्रीन मिलता है तो समझिए कि अब आप रेडी हैं, अब आप चल सकते हैं, समझ रहे बात ना, आप आगे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीन बातें ध्यान से सुनेंगे। यही ग्रिफिथ टेलर साहब कहे कि ना तो मनुष्य प्रकृति का मालिक है और ना ही मनुष्य प्रकृति का गुलाम, यानी दोनों विचारधारा से संबंधित नहीं थे। तो इन्होंने अपना विचारधारा एक प्रकट किए, ये क्या कहे कि मनुष्य ना तो प्राकृतिक से श्रेष्ठ है और ना ही प्रकृति का गुलाम है। ये बीच के कड़ी निकाल दिए, ये बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं, बात को समझिए। जैसे ध्यान सुनेंगे, ये कहे क्या कि जैसे आप प्रकृति के भी हमको भाई सुनना पड़ता है, चूंकि अगर नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे हम ही को समस्या हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, इंडस्ट्री वगैरह ये सब कर करके, उपकरण संभववाद की विचारधारा आया और मनुष्य को लगा कि हम हर वो चीज संभव कर सकते हैं। इस दौरान प्रकृति को हम अगर ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं, ज्यादा अगर डैमेज कर देंगे, तो फिर हमारा ही लाइफ खतरे में हो जाएगा। तो इसीलिए नेचर्स की भी हमको सुनना बहुत जरूरी है। नेचर्स को सुनेंगे जब हम अपने डेवलपमेंट करेंगे, तो धीरे 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 जब प्रकृति को में ज्यादा कुछ हम डैमेज करेंगे, तो हम आपको डेवलपमेंट नहीं करना है, हमको रुक जाना, अपने आप पे कंट्रोल करना है। और फिर जैसे ही धीरे धीरे जब ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो फिर हम लोग अपने विकास को शुरू करेंगे। यानी नेचर को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, और हम मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य बनाना है। इसका मतलब ध्यान सुनेंगे, सिंपल बात, अब तक नहीं समझे होंगे शायद। एक नदी है, एक क्या है, नदी है। अब उस नदी को बात कर ले, तो नदी में जैसे ही जल स्तर ऊपर की ओर उठ जाता है, अगर नदी में जल स्तर एकदम ऊपर की ओर उठा हुआ है, नदी पूरा बाढ़ आ गया है, तब आपको समझना है कि प्राकृतिक ने हमें रेड सिग्नल दिया है। अब बताओ, बाढ़ आ गया नदी में और उस पर बांध बनाना अच्छी बात है क्या? नहीं। हाँ, मानते हैं कि आपके पास बहुत तकनीक है कि भाई आप समुद्र में भाई बांध बना देते हैं, तो ज्यादा संभव बात के फेरा मत रहिए। कुछ देर आप समझिए कि प्राकृतिक ने आपको रेड सिग्नल दिए हैं, कुछ देर आप रुक जाइए। जैसे जैसे नदी का जल स्तर नीचे डाउन हो गया, इसका मतलब है कि आपको प्राकृतिक ने येलो सिग्नल दे दिया है, यानी अब आप तैयार रहिए। अब आपको जितना मोटा मोटा रड गिराना है, गिट्टी है, सीमेंट है, बालू है, ये जितना पुल बनाने वाला जो मटेरियल है, भैया आप गिरा लीजिए, ठीक है। यानी अभी आपको प्राकृतिक येलो सिग्नल दे दी है, और जैसे जल स्तर डाउन हो गया, यानी आपको ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आप करिए विकास, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रिफिथ टेलर साहब ने, अमेरिकी भूगोल वेत्ता है, अमेरिकी ज्योग्राफर है, और ये याद रखेंगे कि एक सिग्नल पे, ट्रैफिक सिग्नल पे उसी को आधार बताते हुए ये सुलझाए हैं। तो इनके अनुसार याद रखेंगे, ना तो मनुष्य प्रकृति का दास है और ना ही प्रकृति का मालिक है। तो देखिए, आज का इस चैप्टर आप समझ में आपको आ गया होगा शायद, अगर नहीं आया होगा तो कहिएगा, अगली बार से हम कोशिश करेंगे और सरल और आसान भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जो लड़खड़ाहट होता है उसको हम लोग एडिट फिडिट करके काट लेंगे या फिर बढ़िया से शूट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ नहीं, आप इतना बात अगर आप टाइम दिए तो उसको एक मिनट में हम आपको याद रखा दे। नियतिवाद में क्या है, नियतिवाद में मनुष्य ना तो प्राकृतिक, मनुष्य क्या है, प्राकृतिक का हाथ के कठपुतली है, उसका गुलाम है, ठीक है। इस विचार
धारा के अनुसार। इसके प्रवर्तक कौन है तो फ्रेडरिक रेटजल है। संभववाद के प्रवर्तक कौन है तो विडाल डीला ब्लास है। संभववाद शब्द के प्रयोग सबसे पहले कौन किए तो लुसियन फेवरे है। ग्रिफिथ टेलर किसके प्रवर्तक है भैया तो नवनियति वाद के। ग्रिफिथ टेलर का क्या विचार है, ठीक है, तो इनका विचार देखो एक बात और इसी पे आता है, रुको और जाओ। समझ रहे बात, जब रेड सिग्नल आया तो रुक जाना है, जब ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाए तो चल देना है, ठीक है। तो इसको ये भी आपसे पूछ लेगा कि रुको और जाओ ये विचारधारा के समर्थक कौन है तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं नवनियति वाद, याद रहेगा आपको। ये ट्रैफिक सिग्नल पर पूछ दे, बिल्कुल आसान है।